wear under what? You can wear a bra if you have a bra like this. So like this, underneath is tarah se aa jayega ye criss cross mein. So you will do like this. A wala kachhe le lo. Tonu kisi aur kachhe di lod nahi. So I ordered these still silicone stick-ons from Amazon. If your skin ke sath ek silicone jaisi cheez chipak rahi hai, so I think you should wash it. Yeah. And welcome back to my channel. And this is Saru, Krishna's sister. Dappas and lipstick. Da 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 da. So today, as मैंने एक वीडियो में प्रॉमिस किया था दैट वी शुड डू अ वीडियो क्योंकि ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं इसको भी बहुत लोग पूछते हैं व्हाट टू वेयर अंडर व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आप कौन से टॉप्स और कौन से ड्रेसेस के नीचे किस तरह के अंडरगार्मेंट्स पहने जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड आपके ड्रेसेस में लाइंस और कट्स वो सब विजिबल नहीं होते हैं स्पेशली जब मैं जिम में लेगिंग्स पहनती हूँ बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट डू यू वेयर अंडर दीज दैट यू नो कि वो शेप नहीं नजर आती है ऑल्दो ऑनेस्टली हाउ डज इट मैटर बट इफ इट बॉदर्स यू बिकॉज इट डज टू मी ऑल्सो या तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉपर शेप नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता है फॉर दोज हु वांट टू नो व्हाट टू वेयर अंडर सच गारमेंट्स सो टुडे वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग एंड दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस सो लेट्स स्टार्ट नाउ लेट्स स्टार्ट हम लोगों ने कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस उठाई हैं लाइक दिस ड्रेस विच हैज दिस अ लिटिल स्वीट हार्ट नेक सो आई ट्राइड दिस ड्रेस थोड़ा सा मुझे डीप लगा सो ऑब्वियसली आई कांट वेयर अ ब्रा इनसाइड दिस यू कैन वेयर अ ब्रा इफ यू हैव अ ब्रा लाइक दिस सो दीज आर रिमूवेबल ट्यूब ब्राज इन न्यू शेप मतलब इफ यू हैड टू बाय जस्ट वन गुड एक्सपेंसिव ब्रा आई फील दिस इज इट यू गाइज ये एक एब्सोल्यूट एसेंशियल है इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो रिमूवेबल हैं फ्रॉम बोथ साइड्स यू कैन रिमूव अगर आपको कोई ट्यूब ड्रेसेस पहननी है लाइक स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग अ टॉप लाइक दिस व्हिच इज अ ट्यूब ड्रेस यू नो कोई स्ट्रैप्स नहीं है ऑफ शोल्डर है तो अंडर दोज दिस वर्क्स परफेक्टली इसके स्ट्रैप्स रिमूव करके आप इसको बहुत अच्छे से इसको ऐसे अंडर द ट्यूब ड्रेसेस और एनी वेयर विच डजेंट हैव यू नो इज शोइंग अ लॉट ऑफ नेक लाइन यू कैन वेयर इट अंडर दिस बिकॉज इसकी जो कवरेज है ना इट्स वेरी लो कवरेज सो एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्रास जो ऊपर से क्या होते हैं हॉलो होते हैं या वो होल्ड नहीं करता बट दिस वन इज लाइक रियली गुड मार्क्स एंड स्पेंसर्स की ब्रास बहुत अच्छी होती हैं वेरी गुड एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स विच आर लाइक विक्टोरिया सीक्रेट थोड़े से बजट फ्रेंडली हैं दिस इज लाइक एब्सोल्यूट मस्ट हैव यू गॉट टू ओन वन ऑफ दीज इन न्यूज सो या यू कैन वेयर दिस और इस ड्रेस के अंदर बिकॉज इट हैज स्ट्रैप्स एंड इट इज लाइक क्वाइट वाइड एज यू कैन सी तो अगर आपकी ड्रेस इस तरह के कट में है तो उसके नीचे आप इसको विद स्ट्रैप्स नहीं पहन सकते बिकॉज आपकी स्ट्रैप साइड से शो करेगी सो अंडर जहाँ पे भी आपकी वाइट कट्स है ना उसमें आप ये पहन सकते हैं Otherwise, and like I think you can wear this on t-shirts also. You can wear it on exactly. That shape will not come. वो कभी कभी वो shape आती है ना तो वो बहुत बुरा लगता है. यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ. Exactly. वो थोड़ा hollow लगता है तो these are also. Yeah. This can also be used as a t-shirt bra. मतलब this is like it was worth for 2500 ऐसे कुछ. But this is a must-have. Must-have, you guys. Yeah, now, if you're wearing a top like this, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत low cut है, है ना? और straps भी पीछे से काफी deep हैं. Now under this, those kind of bras will not work. Either you can wear. So I ordered these still silicone stick-ons from Amazon. बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, but they are like आप मतलब use and throw कर सकते हो. थोड़ा time use करके इसको use and throw कर सकते हो. But there's a catch. Now girls who have like small bust, for them this can work perfectly fine. But अगर आपकी saggy breasts हैं, then these will not work for you. तो उस केस में यू कैन गो फॉर दीज बूप टेप्स आई हैव नेवर ट्राइड इट या सो बूप टेप्स यू गाइस अगेन दिस इज लाइक अ मस्ट हैव यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon आल्सो राइट यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon Nykaa वेयर एवर यू वांट बट चीक की आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है दिस इज फ्रॉम बट चीक ओनली आई गेस एज यू गाइस कैन सी अब मैंने ओपन नहीं किया है दिस इज माई सेकेंड और थर्ड सेट आई वेरी फ्रीक्वेंटली यूज एंड ऑनेस्टली if you are someone now doesn't matter aapke bust heavy hai small hai koi bhi size hai this works perfectly on any size and shape so how do you wear it
सो बेसिकली आई विल शो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये इस तरह से आती है, जैसे ये बैंडेज नहीं होती है, बेसिकली बैंडेज ही है. तो अगर आप देखोगे अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप कोई न्यूड सीन्स देखते हो, जब आप सोचते हो कि यार ये बैक से पूरा न्यूड दिखाया है, तो ऑन दो सीन्स दे एक्चुअली वेयर दीस अंडरनीथ. सो सीक्रेट इज रिवील्ड. तो आई डिड नॉट नो अबाउट दिस. या सो एंड ये आपका पूरा बॉडी का शेप ले लेता है एंड आपकी बस को बहुत अच्छे से होल्ड करता है. यू हैव टू जस्ट मेजर लाइक दिस. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना, डिपेंडिंग आपका ड्रेस कितना लो है या क्या है. ऑलवेज फर्स्ट सी वॉट यू आर वेयरिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट कट द साइज. अब आपको इधर से लेके इसको इधर से ऐसे मेजर करना है. ऑलवेज ट्राई कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रखो ताकि हिले नहीं हो. नाउ यू हैव टू कट फ्रॉम दिस एंड देन यू हैव टू पूरा मत पील करना इसको लगाने से पहले, वरना वो आपस में चिपक के पूरा एकदम वो हो जाएगा, मैसी हो जाएगा. सो यू हैव टू कट इट. ग्रिप इज गुड. ग्रिप इज वेरी गुड. तो आपको धीरे धीरे उसको स्टिकर को उतारते हुए आपको इस तरह से प्लेस करना है अराउंड योर बस. नाउ फॉर अ साइज लाइक मी, थ्री जो होते हैं पीसेस ऑफ द सेम साइज वर्क परफेक्टली फाइन. तो मैं एक नीचे लगाती हूँ लाइक दिस, वन कम्स लाइक दिस एंड देन अनदर कम्स लाइक दिस. वॉट यू वॉन्ट टू डू इज इफ बिकॉज ये थोड़ा सा जब आप वो करते हो ना, रिमूव करते हो, थोड़ा सा सेंसिटिव लगता है निपल के एरिया में. तो एक्चुअली इस तरह के आप पेस्ट्रीज ले सकते हो. दीज वर्क परफेक्टली फाइन. नाउ अगेन ये सिर्फ अपने आप में यूज नहीं हो सकता एंड यहाँ से इसको निकाल के स्टिक कर सकते हैं. किसी के बहुत ही स्मॉल बस्ट है तो वो तो ऐसे ही लगा सकते हैं इसको, बहुत अच्छे स्टिक कर जाता है. बट मी या लाइक शी कैन. बट बेसिकली ये अगर आप इस तरह के वो पहन रहे हो आप एंड यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर निपल एरिया बिकॉज दैट्स अ सेंसिटिव पार्ट, तो उसके अंदर पहले आप नीचे ये लगाओगे एंड देन यू कैन डू दिस. नाउ इसको अलग अलग शेप में लगा सकते हैं. अगर आपने लेट सपोज इफ यू आर वेयरिंग, आई एम श्योर आप बहुत लोगों ने शायद बर्ची के ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे. इफ यू डोंट देन आप जाके देख सकते हो हाउ टू वेयर. पूरा वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किस किस ड्रेस के नीचे कैसे पहनना चाहिए. नाउ लेट से फॉर दिस एग्जाम्पल ये वाली टॉप, इसकी ये शेप है, यहाँ पे ये वाली शेप है. तो वॉट यू यू विल डू इज सो लाइक दिस अंडरनीथ इस तरह से आ जाएगा ये क्रिस क्रॉस में. तो यू विल डू लाइक दिस डिपेंडिंग वो किस तरह से आ रहा है. पहले आप टॉप देख के ना, टॉप पहनकर उसको इफ यू वॉन्ट यू कैन पुट अ लिटिल मार्कर ऑल्सो कि कहाँ तक आ रहा है. It's sounding like it's a lot of task, but trust me, once you get used to, it's such a life savior. I can't tell you guys. आपको हर different dress के लिए different bra खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And this is not very expensive, ना? कितने का है? Not very expensive. I think 200, 285. That's it. Yeah. That's it. But I think for me, these are my saviors. Yeah. Like whenever I go out travel, I hardly carry bras. मतलब किसी अगर स्पेशली बीच में जा रही हूँ, अगर किसी बीच एरिया में जा रही हूँ तो आई डोंट वेयर ब्रास. तो मैं हमेशा यही कैरी करती हूँ और मैं यही पहनती हूँ. नाउ देयर इज अनदर वन फॉर मी व्हिच आई कैरी मोस्टली इज दिस सेट ऑफ ब्रा. नाउ इसका ये मैंने न्यू ब्रा नायका से ऑर्डर किया था. इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट मैंने इसके बारे में इतना सुना था दैट आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस. It was very good because I didn't take good care of it. तो इसका जो अंदर की जो सारा glue होता है silicone से, इसका glue वो हो गया, खराब हो गया. Now I can only wear it when the dress is tight. Like अगर snug fit है dress का तो मैं उसके नीचे ही पहन सकती हूँ एंड मुझे लिटरली कुछ पहनने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर टाइट ड्रेस है तो आई कैन वेयर इट. पहले तो अगर मैं कुछ लूज फिट भी पहनती थी उसके ऊपर भी आई यूज्ड टू जस्ट वेयर यू ये दिस इज रिमूवेबल. इसका एक प्रॉपर कप आता है, होल्डर आता है. यू आर सपोज टू कीप इट इन दिस बट कभी कभी क्या होता है शूट में स्वेट आ जाता है, ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर मिट्टी बैठ गई. यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ दीज थिंग्स. बट कैन वी वॉश देम विद वाटर, मतलब पानी के साथ धो सकते हैं? देयर आर प्रॉपर ट्यूटोरियल्स. मैंने पहले वॉश नहीं किया. आई थॉट कि खराब हो जाएगा बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपकी स्किन के साथ एक सिलिकॉन जैसी चीज चिपक रही है सो आई थिंक यू शुड वॉश इट. या राइट एब्सोल्युटली. So now I know, but before I didn't. So इसको इस तरह से बस you have to hold these together and just इसको इस तरह से lock करना है
एंड दैट्स इट. आपने पीछे बैकलेस पहना है, ऑफ शोल्डर पहना है, कुछ भी पहना है, इट डजंट मैटर. दिस वॉज माई लाइफ सेवियर. नाउ व्हेन आई एम वेयरिंग स्नग फिट आई स्टिल चूज दिस बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट. यार कुछ करना ही नहीं है, बस इसको लगाया एंड चले. एंड वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, कुछ भी पहनो. एग्जैक्टली. These I recently got. These are like the push-up stick-ons. It has sticker on both sides. Now, इसके आगे भी sticker है. Both sides. Yeah. So it has sticker on this side as well, and on the other side. When you are not wearing, you are always supposed to keep it under these. इसके साथ जो ये plastic मिला है cover, इसी में रखना है. Otherwise, again, बहुत सारी चीजें, dust and all, it will catch and it will just ruin. The stuff. It's again very expensive. It's for 2,500. This one was for almost 4,000 bucks. What? Yeah. This was for 4,000? This was for 4,000. And what brand is it? It's New Bright. It's actually yahan pe India mein milta hi nahi hai. Okay. So Nykaa Global se I got it. And almost for 2 years. I used it and after 2 years then it's actually, worth it. यार अगर 4,000 का आप खरीद रहे हो, I feel कि मेरे लिए बहुत worth because I keep shooting, keep traveling and it was very much time saving. So for me it was worth every single penny. But don't forget to clean it. Yeah, don't forget to clean it and take good care of it. So how do you wear it? I'm sorry, मैंने नहीं सुना. Yeah, so आप इसको ना like again this if you're wearing like snug fit, तो उसी में अगर जैसे कुछ अच्छा tight fit वाला कुछ dress पहना आपने. अगर लूज फिट पहन रहे हो तो उसके नीचे वर्क नहीं करेगा. तो इट बेसिकली गिव्स योर ब्रेस्ट लाइक इट्स एक्चुअली फॉर पीपल हु हैव स्मॉल बस या स्मॉल से मीडियम बस. एंड इफ यू वांट मतलब थोड़ा अच्छा सा शेप आए एंड यू स्टिल एंड यू वांट टू यू नो वेयर लाइक समथिंग कुछ बैकलेस टाइप, तो ये बहुत अच्छे से पुशअप. इसको यू कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ अ पुशअप स्टिक ऑन विच यू कैन वेयर, बट इट गिव्स यू लाइक गुड क्लीवेज एंड कवरेज एंड ऑल. तो इस तरह से इसको पहनना है इवन इफ यू आर वेयरिंग अ बिकिनी एंड अगर आपका फ्लैट लग रहा है, इवन इफ यू आर वेयरिंग अ टॉप लाइक यू नो, इवन अगर आपने इस तरह की ड्रेस पहनी है ना एंड यू वांट थोड़ा सा कवरेज अच्छा आपको मिले एंड यू वांट योर क्लीवेज टू लुक अ लिटिल नाइस एंड लिफ्टेड, सो बेसिकली इट गिव्स योर बस्ट अ लिटिल नाइस लिफ्ट. सो गाइज अभी रिसेंटली आई सॉ दिस वीडियो. दिस इज द थिंग. Like no matter what kind of bra you're wearing, this is like a must have. Isme basically you get, so there are these transparent straps which I personally don't like. Then these are strap adjusters. Like agar aapka size chota hai of the bra and you know you've put on some weight or it pura cover nahi ho raha and you know you want a different, yeah, and fit, you don't have to buy a new bra exactly every bras time. Bras are like really expensive. Exactly. To aap is tarah ke ye adjustables le sakte ho. It comes in 3 different colors. And you can get it from Amazon. I got it from Amazon. अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है बट आई जस्ट सॉ दिस. दीज आर कॉल्ड ब्रा एक्सटेंडर्स. दिस इज द ट्रांसपेरेंट बेल्ट एंड दिस इज द रेसर बैक क्लिप. सो आप इफ यू आर वेयरिंग लाइक यू नो ऑफ शोल्डर, आई गॉट इट, आई गॉट इट. सो आपके स्ट्रैप्स दोनों स्ट्रैप पीछे से ऐसे वो ज्वाइन हो जाएंगी. सो देन साइड से जैसे अभी मेरी दिख रही है बीच बीच में स्ट्रैप बिकॉज आई डेंट केयर राइट नाउ आई विल हैव टू शूट द वीडियो. तो इट विल लाइक होल्ड इट नाइसली तो आपकी स्ट्रैप साइड से नहीं दिखती है. सो अगेन this is actually a must have. ये खोल के दिखा सकते हैं क्या? Like a lot of people are like, you know, they get confused. So जैसे कि ये टॉपिक you just fold it. Yeah. So what do we have to do is you do it. I don't know how to do it. So. Yeah. So like this, you see. So wherever you want to adjust it. In fact, इसमें भी अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा ये रह गया इसपे. हाँ, इसका भी अच्छा लग रहा है. या सो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ हॉल्टर नेक टाइप पहना है तो आप इसे लगा सकते हैं सो दैट योर यू नो स्ट्रैप्स डोंट शो फ्रॉम द साइड्स. ओके नाउ लेट्स गो टू द अंडरवेयर्स. नाउ इफ यू वेयर लाइक यू नो टाइट्स एंड शॉर्ट्स या इस तरह की ड्रेसेस जो बहुत स्किन फिट हैं, अगर आप अंडरवेयर्स ऐसे पहनोगे जो टाइट हैं एंड बीच में से पैंटी लाइंस दिखती हैं, then it doesn't look very flattering to us personally. And your choice. Yeah. जिन लोगों को bother करता है उनके लिए. So these are called the seamless panties. If you go to a store, ask for a seamless panty because कई बार क्या है
कि सीमलेस के नाम पे वो दे जस्ट गिव यू समथिंग जो अब देखो इसमें कुछ ना स्टिच ही नहीं है ऑन द साइड्स. इट्स लाइक लिटरली वेरी वेरी थिन क्लॉथ एंड कुछ साइड से कुछ दिखेगा ही नहीं. सो दिस इज लाइक इन थॉन्ग स्टाइल. दीज आर मस्ट हैव्स. आई गॉट दिस वन फ्रॉम H&M एंड दिस वन इज फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट. मार्क्स एंड स्पेंसर्स पे किसी भी अच्छे आप स्टोर पे चले जाओगे. इवन ट्रियम्फ के भी बहुत अच्छे होते अच्छे होते हैं उसके भी. एंड दी ए वाला कचल से ले लो तो नो किसी और कच्चे दी लोड नहीं. नाउ वी विल टॉक अबाउट टमी टकर्स जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन वेन यू आर वेयरिंग अ नाइस बॉडीकॉन ड्रेस जैसे ये फिटेड ड्रेस है तो कभी कभी यू माइट नॉट बी इवन दैट मच दैट फैट बट आपकी ब्लोटिंग हो रही है कुछ हो रहा है एंड यू नो दैट लिटिल पूछ इज कमिंग आउट स्पेशली आफ्टर यू बिकम अ मदर. I'm not a mother yet but I still have this pooch. So when you become a mother na, like when you deliver, when you have a baby inside you, after you deliver, yeah, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, there's this thing called Dyceus rectus. I didn't have it, thankfully. But उनका ना no matter how much they work out, कितना भी पतले हो जाए वो यहाँ पे एक ऐसा ना skin लटक सी जाती है. Oh yes, I have seen. Yeah. So on those cases, क्या है कि if you wear like a nice tummy tucker under it, I'm sure like lot of people they go for it. In fact, what I would recommend and मैंने जो किया after I delivered, like you know for about after 7-8 days after my delivery, I started wearing this. Yeah, that's very good. Yes, because क्या है कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी जल्दी और लूजिंग वेट आपका उस टाइम पे बिकॉज यू जस्ट डिलीवर्ड तो स्किन एकदम सैगी होने लगती है. सो आई पर्सनली इट वॉज गिविंग सम रेस्ट टू माई बैक ऑल्सो. मुझे बैक कंप्रेशन में भी अच्छा फील हो रहा था. इट वॉज गिविंग मी सम कम्फर्ट एंड ऑफकोर्स बहुत छोटा साइज मत ले लेना वरना यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीद यू वॉन्ट बी एबल टू ईट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर द टमी टकर इज ब्रीदेबल एंड इट्स जस्ट नॉट कि आपका एकदम घोटा नहीं है अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीद एंड इट विल गिव यू अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग. एंड इनफैक्ट प्रेगनेंसी के आफ्टर आई गिव बर्थ उसके एक दो साल तक तो मैंने पहना है ये एंड उसके बाद आई स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड यू नो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग. तो नाउ आई डोंट रियली फील द नीड ऑफ इट. बट कुछ कुछ ड्रेसेस स्पेशली अगर आपने सैटिन की ड्रेसेस पहनी है ना उसमें तो ना आपका इतना इतना सा कर्व भी ऐसे दिखता है. आई मीन इफ यू डोंट माइंड ऑफ कोर्स बट इफ यू वॉन्ट लाइक दिस नाइस स्नग फिट एकदम स्मूथ लगे ड्रेस देन आई गेस यू शुड गो फॉर दीज टमी टकर्स. ये वाला टमी टकर जो है ये थोड़ा डेनिम के अंडर ज्यादा क्योंकि आप यू कैन सी दैट इट हैज अ लॉट ऑफ टेक्सचर. सो इफ यू आर वेयरिंग अ सैटिन ड्रेस तो उसके नीचे से ये टेक्सचर दिख सकता है. So there are different kinds. So the kinds thing of... is, I am not carrying my tummy tucker right now. The one I have is वो ऊपर से पूरा मतलब cover करता है लेकिन नीचे से it is like a thong. Yeah. So that if you're wearing a dress, right. तो क्या है कि आपके मतलब ये जो shape है वो नहीं दिखता tummy tucker का. Exactly. Otherwise mostly tummy tuckers के साथ क्या होता है कि ऊपर से तो ठीक है लेकिन वो अगेन वो लाइन आती है फिर वो एक ये पार्ट अलग ही एग्जैक्टली लगता है. ड्रेसेस जीन्स एंड कॉर्सेट्स के नीचे तो ठीक लगता है बट ड्रेसेस के नीचे वो कई बार ठीक नहीं लगता है. देन देयर आर देयर इज दिस व्हिच इज लाइक अ मीडियम वेस्ट. नो ये भी उतना ही ऊपर है. ये भी उतना ही ऊपर. दिस वन आई रियली लाइक दिस वन बट अगेन ये इसकी शेप आएगी यहाँ से. It will show from the side, which is why I bought it, but I hardly wore it. But yeah, अगर आप denims पहन रहे हो या कुछ ऐसा पहन रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा tight नहीं है या उसका fabric ऐसा है कि उसके अंदर से show this it won't be see through, then even this will work. In fact, periods में बहुत काम आता है. मैं periods में ज़रूर पहनती हूँ. Just gives a nice lifted. Yeah. Everything. I just wanted to ask कि कौन-कौन से colors जो हैं वो ज़रूरी हैं. Bras me. I think nudes. Nudes, right? Nudes. Like a lot of people, I used to go for bhadkila colors. Very. See, you want to make a collection and you feel nice for your own self. Then of course you can have like dark colors or maybe not dark actually bright colors. Bright colors. But वो हमेशा दिखते हैं. But again, वो दिखते हैं. Under your you know dresses, under your if you're wearing light color या इतना
fabric is very light, thin, yeah. then it starts showing and it doesn't look very flattering. So nudes and black, it's like yeah. the essential. So yeah. you have to keep it. Always make a nude collection, basic collection, banao, and then you can go for something fancier. True. So yeah, mistakes we made. I also made a lot of mistakes, but yeah. now I have learned from them. So अब मैं वो गलतियाँ नहीं करती हूँ मतलब मैं लेती हूँ but yeah. now I know कि हाँ ठीक है मेरे पास you know I have you have the basics, so now you can move on to making some nice collection of yeah whatever you the lace and everything laces maybe there are different kinds of lace एक तो lace होता है कि अगर आपने किसी cheap brand से खरीदा ना तो वो बहुत irritate करता है synthetic wear होता है been there done that rashes होते हैं वो पड़े रहते हैं if you want to buy a lace then invest Yeah. in your undergarments I yeah. would highly suggest buy less but buy good quality no there's one more thing a lot of people they wear a bra jiske niche yahan pe wire hoti hai yeah so I think underwire jo hoti hai I think people should avoid that yes I used to wear them a lot because I used to wear push-ups so push-ups mein zarur underwire hoti hai even this one it has a very very good grip But it doesn't have any wires under yeah. it. In fact, good brands they have stopped making wires wala under wires wala bras. But I have a solution to that also. So my mother-in-law she doesn't wear these bras jiske niche wires hoti hain. Okay. So if you also have those bras और आपको वो पहनना है लेकिन अभी वायर नहीं पहनना चाहिए इसलिए वो बॉदर कर यू कैन टेक इट आउट साइड से कट करके यू कैन टेक आउट द वायर तो मैंने उनकी लिटरली ब्रास से शी गॉट सो मेनी ब्रास फ्रॉम बैंकॉक एंड मैंने सारे कट करके उनके वो वायर्स निकाल दिए एंड शी कैन वेयर देम ऑल नाउ एग्जैक्टली सो दैट्स इट गाइस ये था हमारा आज का वीडियो ऑन योर रिक्वेस्ट एंड आई होप यू गाइस लाइक इट अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल शी पोस्ट फैंटास्टिक वीडियोज एंड या आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुडे एंड वी रियली होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए या थैंक यू सो मच थैंक यू बाय शुभ रात्रि